नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये बैगन का फार्म है, बैगन का खेत है और यहाँ एक समस्या देखने को मिल रही है किसानों को। समस्या ये है कि यहाँ एक कीट है जिसे हम सूट बॉरर तथा फल फ्रूट बॉरर बोलते हैं, यानी हिंदी में अगर बात करूँ मैं तो फल छेदक तथा चोटी छेदक जो कीट है ना, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा, ये देखो तने में जो मुलायम वाला होता है ना, चोटी की तरफ जो मोबाइल मुलायम वाला होता है, जो चोटी चल रही है ना पौधे की, तो वहाँ जो मुलायम सूट होती है हमारी, वहाँ पे ये एंटर करता है, देखिए छेद करके एंटर है और इसी के अंदर अभी अवेलेबल है कीट जो है, इसी के अंदर अवेलेबल है, ठीक। आप इसे तोड़ोगे इसी के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक। जैसा कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ कैसा होता है, देखिए ये आपको दिख रहा है ना इसमें ये रहा, और इसका जो सर होता है ना वो रेड कलर का होता है, बाकी ब्राउन कलर का होता है। ये देखिए ये है हमारा क्या है, फ्रूट बॉरर या सूट बॉरर। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये कंट्रोल करना है अपने बैगन के खेत में तो कुछ केमिकल्स जो है, रसायन जो है, मैं आपको अभी वीडियो एडिट करूंगा उस दौरान आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, उनमें से आप कोई भी एक जो केमिकल है उसका इस्तेमाल करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये नुकसान क्या करता है, जो फल होते हैं ना बैगन के, उनको फीड करता है, उनके अंदर छेद कर लेता है, छेद करने के बाद उन्हें जो एक तरह से अनफिट कर देता है कंज्यूमिंग के लिए, और मार्केट में भी उसकी वैल्यू जो है डाउन हो जाती है। और पौधे पर अगर ये मतलब इन्फेस्ट होगा, हमारे पौधों को ऐसे ही खाएगा, चोटियों को खाएगा, तो हमारा पौधा क्या ग्रोथ करेगा फिर भाई, जब एक बार ये चोटी को ख़त्म कर देगा तो ऊपर कैसे चलेगा पौधा, नहीं चलने वाला भाई, सिंपल सी बात यही है ना, पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपली पहले तो देखिए, अगर आपके खेत में इस तरीके से लगा हुआ है, सिंपली पहले तो आप इन सबको तोड़ करके खेत से बाहर निकालिए, जैसे कि ये मैंने तोड़ लिया, इसे आपको खेत से बाहर निकालना है और थोड़ा सा दूर फेंकिए, आधा किलोमीटर, आधा 100 से 200 या 500 मीटर, जितना भी दूर हो जाए ना खेत से, उतना दूर इसे फेंकने की कोशिश कीजिए, जितना भी आपने तोड़ा है ना उसे तोड़ने के बाद। जो केमिकल मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है ना, एक तो उसमें हमारा क्लोरोपाइरीफोस होगा, एमावेक्टिन होगा और कई सारे केमिकल्स हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं रसायन। और हाँ, यदि आपके खेत में मच्छर वगैरह है तो मच्छर के लिए भी आप यहाँ पे कोई सा भी एक मच्छर का पाउडर डाल लीजिएगा, और हाँ एक स्प्रेडर जरूर डालिएगा, चिपकाने वाली जो दवा होती है, स्टिकर बोलते हैं, स्प्रेडर होता है, उसे जरूर डाल के छिड़किएगा, क्योंकि ये समय जो है बरसात का है, बरसात में दवा जल्दी ही धुल जाती है छोटी मोटी बूंदाबांदी से भी, तो यहाँ आप एक स्प्रेडर डाल के यहाँ पे स्प्रे कीजिए और सही तरीके से स्प्रे कीजिए, ठीक है। जो आपने दवा ली है, यदि आपकी दवा जो है मतलब 100 ml है, अब दुकानदार ने आपको बताया कि 5 टंकी में कर लीजिएगा 20-20 ml, आप उसे 5 टंकी में मत कीजिएगा, 4 टंकी जो है ना उसी में छिड़क दीजिएगा, 4 टंकी के हिसाब से मतलब 25-25 ml के हिसाब से उसे कर लीजिएगा, या आप हो सके तो 3 टंकी में ही कीजिएगा, क्योंकि ये तभी कंट्रोल हो पाएगा यदि आपके खेत में इतनी भयंकर तरीके से इमर्ज होकर आया है तो, ठीक। और हाँ साथियों, कोई और क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, बैगन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी समाधान करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, यदि आपके खेत में एफिड भी है ना, कुछ एफिड यानी उसे बोलते हैं ना हिंदी में कुछ अलग ही नाम है यार उसका, हाँ चलो अंग्रेजी में समझने की कोशिश करो, एफिड कहते हैं, एफिड का भी हमला है, तो एफिड के लिए भी आप यहाँ पे इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड इसमें डाल दीजिएगा दवा में, और दुकानदार के पास जाओगे, जो मैं केमिकल बता रहा हूँ ना रसायन स्क्रीन पर शो होंगे, उनमें से कोई सी भाई ले लेना, कोई सा भी, और हर किसी दुकानदार के पास अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई हाईटेक दवा बता रहा हूँ मैं, सिंपली आप उसमें से किसी भी एक दवा का यूज कीजिए, ठीक है। और अगर आप किसी और ब्रांड पे जाना चाहोगे, देखिए केमिकल तो उसमें वही होते हैं लेकिन थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं वो, तो क्यों ना आप सस्ती से सस्ती क्लोरोपाइरीफॉस ले लीजिए, क्लोरोपाइरीफॉस का थोड़ी सी मात्रा बढ़ा के छिड़क दीजिए, थोड़ी सी मात्रा इंक्रीज कीजिए, उसके बाद स्प्रे कर दीजिए, तो आपका ये समस्या जो है समाप्त हो जाएगी, निदान मिल जाएगा आपको। और हाँ, ये आप आज छिड़क रहे हैं तो 8 दिन बाद इसे आपको छिड़कना ही है, 2-3 बार आप लगातार स्प्रे कीजिए, जिससे ये समस्या खत्म हो जाएगी, ये कीट जो है ना जड़ से खत्म हो जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया है सूट बॉरर तथा सूट बॉरर और फ्रूट बॉरर, बैगन का फल छेदक तथा चोटी छेदक जो कीट है ये खत्म हो जाएगा। तो ये करता क्या है, ये स्टेम खा लेता है तो ऊपर की तरफ ये स्टेम है ना वो सूखने लगती है, सूख गई है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।